सांची विधानसभा पर पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने तो चौका मारा है। बीजेपी के कार्यक्रम में प्रभुराम चौधरी ने सीएम शिवराज का गुणगान गाया और फिर बताया कि 16 महीने से रायसेन को विकास कार्यों के पूरे होने का इंतजार है। गजब ये हुआ कि 15 महीने से अटका हाई स्कूल प्रभुराम चौधरी ने 15 मिनट में मंजूर करा लिया। चुनाव का दबाव इधर भी है और उधर भी। रायसेन के गर्ल्स स्कूल को डेवलप करने की मैं बात करूं, चाहे मैं शिक्षा मंत्री था, स्कूल शिक्षा मंत्री, मैंने एक प्रस्ताव रखा देगांव के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाए। मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव पहुंचा, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा देगांव छोड़ो, छिंदवाड़ा में मॉडल स्कूल खोलो। मंच से पूर्व मंत्री जी की पीड़ा सुनिए। पूर्व मंत्री जी का ऐसा दर्द की पूछिए मत। जिस कमलनाथ सरकार में प्रभुराम चौधरी मंत्री बने थे, वह खुद पूर्व मंत्री जी की सुनवाई नहीं होती थी। तो जब मंत्री जी की सुनवाई नहीं होती थी तो जरा सोचिए जनता का क्या हाल होगा। यही तो हाले दिल सुना रहे हैं पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी। ये बात अलग है, कमलनाथ सरकार के वक्त इनकी जुबान खामोश, तब ना तो ऐसे तेवर थे ना ही सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। लेकिन अब माजरा जरा जुदा है। विकास के कार्यों को जो मैंने रखने का जो प्रयास किया, लेकिन उसकी पूरी तरह से अनसुनी की गई। सरकार बदली, आदरणीय सिंधिया जी की अनदेखी की गई, अन्य विधायकों की अनदेखी की गई, जनता की अनदेखी की गई। ये सब ऐसे कारण बने कि कांग्रेस की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश में आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने। ऐसा दर्द जो उपचुनाव से पहले ही झलक रहा है, जनता के ऐसे हिमायती पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी बन गए हैं जो सीधे जनता का हालचाल पूछने ही पहुंच गए। न सिर्फ हालचाल बल्कि वादों की झड़ी भी लगा दी। जो काम 15 महीने में मंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, उसका ठीकरा भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर फोड़ दिया कि हमने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुनी ही नहीं। तो क्या ये जनता से सहानुभूति लेने का पैतरा है? सांची की सियासत में अब जरा मंच से होने वाली धड़ाधड़ घोषणाओं पर भी गौर फरमाइए, कहीं ये सांची के वोटर को साधने की कोशिश तो नहीं। मेरे प्रस्ताव पर भी है, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। एक गांव है काली टोर पिपलई, सेमरा कैंपेड़ी से जाता, बरसों से रोड की मांग की जा रही थी। मैंने मंत्री रहते हुए काफी प्रयास किया लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हुई थी। जब मैंने आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब से बोला तो उन्होंने 650 करोड़ की उस रोड को स्वीकृत कर दिया। जो काम 15 महीने में नहीं हो पाया, उसकी घोषणा और भूमि पूजन कैसे चुटकी में करा दिया गया। अब इसके मायने समझते तो किसी को देर नहीं लगेगी। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी उपचुनाव का बिगुल बजने से पहले ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जहां उनका बीजेपी से सांची विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के रूप में नाम लगभग तय है। रायसेन के महगांव से बीजेपी जनसंपर्क अभियान शुरू कर उपचुनाव की सियासी जंग में कूद पड़ी है, जहां एक के बाद एक सौगात से कई जनता भी होश न खो बैठे। आखिर नेताजी को हुआ क्या है? महिला शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने प्रस्ताव रखा था, विभाग में पेंडिंग भी है, उस समय की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो पहला महिला सारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय खुलना है, उसकी आप घोषणा कर देंगे तो निश्चित रूप से बजट में भी प्रस्ताव हमने पहले भेजा था, स्वीकृति होगी तो मध्य प्रदेश रायसेन के लिए एक बड़ी सौगात आपके माध्यम से रायसेन को मिल सकती है। ये तो महज सौगात की बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सांची की सत्ता पर बीजेपी के गौरी शंकर शेजवार इतनी आसानी से अपनी सियासी जमीन प्रभु राम चौधरी को सौंप देंगे? क्या मुदित शेजवार का सपना सपना रह जाएगा? तो क्या ये घोषणाएं इस खींचतान से भी
प्रभुराम चौधरी को राहत दिलाएगी। सांची में बिछ गई है चुनावी बिसात, अब कांग्रेस बीजेपी की इन घोषणाओं का तोड़ कैसे लाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।